दोस्तों, आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90 के दशक में कई फिल्में देखी होंगी और उन सभी फिल्मों में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां भी देखी होंगी और उन्हीं में से एक अभिनेत्री हैं दिव्या भारती, जिन्होंने 90 के दशक में कई सुपरहिट मूवीज दी, जैसे कि शोला और शबनम, दीवाना और विश्वात्मा। इन सभी फिल्मों में इनकी एक्टिंग, अदायगी और खूबसूरती से इन्होंने सभी का मन मोह लिया था और इनकी सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई थी। इसी के साथ दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री बन गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री दिव्या भारती आज कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखाई देती हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर बात करें दिव्या भारती के बारे में तो आपको बता दें, अभिनेत्री दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही पूरी की थी। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें, इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सन 1990 में नीला पन्ने से की थी, जिसमें इनके अभिनय प्रदर्शन और इनकी खूबसूरती के साथ साथ इनकी अदायगी को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद इन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे बलवान, गीत, जान से प्यारा, दिल ही तो है, आंदोलन, शोला और शबनम और विश्वात्मा, जिनमें इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाकर ये दर्शकों की चहेती बन गई थी। लेकिन अगर बात करें 90 के दशक की बेहतरीन अदाकारा दिव्या भारती के आज के बारे में तो आपको जानकर बेहद ही दुख होगा कि आज ये इस दुनिया में नहीं। जी हाँ, इन्होंने 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस ली थी और ठीक इससे एक साल पहले ही दिव्या की शादी हुई थी और सुहागन ही इनकी मौत हो गई। और जब इनकी मौत हुई तब ये सिर्फ 19 साल की थी, जिनकी मौत की वजह बताई जाती है कि अपने लिविंग रूम की खिड़की से बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी को देख रही थी और उस खिड़की में ग्रिल नहीं लगा था और उस दिन कोई गाड़ी पार्किंग में भी नहीं खड़ी थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तब इनका पैर फिसल गया और ये सीधे जमीन पर नीचे गिर गई और पांचवे माले से गिरने के कारण ही दिव्या को इस दुनिया से दूर जाना पड़ा। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने बताया कि नशे के कारण दिव्या की मौत हुई थी, जिसकी वजह से ये गिर गई, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। वह सच्चाई भले ही कुछ भी हो, मगर फिलहाल तो ये हमारे बीच नहीं रही। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी मौत के 9 महीने बाद इनकी फिल्म शतरंज को रिलीज किया गया था और ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई थी। दोस्तों, इस दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।